मुस्लिम लोग हैं, क्या सोचते हैं राम मंदिर पर? क्या नाम आपका है? मोहम्मद अकरम। अयोध्या से सटा फैजाबाद में है। ये सिर्फ बैठ के खाली आपस में लड़वाने वाली बात करते हैं और कुछ नहीं है ऐसा। राम मंदिर को लेकर कल प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे आप लोग कितना खुश हैं? सबसे तो यहाँ सब बदल गया। अब क्या हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या बदला है। मोहम्मद सलमान जी है, युवा है, कितना खुश है योगी जी से आप? अच्छा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कल होना, उससे आप कितना खुश है? यहाँ पास में मस्जिद भी है, कौन सा मस्जिद है? ये वक्फ हसन रजा का। अच्छा, तो यहाँ का मतलब कि फैजाबाद का सबसे बड़ा मस्जिद यही है? हाँ, सबसे बड़ी मस्जिद है। शकील है, मोहम्मद शकील जी हमारे साथ हैं। अयोध्या का जो विकास हो रहा है उससे कितना खुश हैं आप? उत्तर प्रदेश में हैं, अयोध्या में हैं, अयोध्या से सटा फैजाबाद में हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, क्या सोचते हैं राम मंदिर पर? और हिंदू मुस्लिम का कैसा एकाग्रता है उस पर क्या सोचते हैं? पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कल के दिन प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ के मुसलमान लोग क्या सोचते हैं, जानना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा आइए चाचा लोग से बात करते हैं। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बताएं। क्या नाम आपका है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, अभी हम लोग कहाँ पर हैं ये थोड़ा पहले बताइए। आप इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या के मेन एकदम जगह पर चौक पर हैं। ये चौक एक दरा बाहर बोलते हैं। हाँ। और ये हमारी आस पास में यहाँ पे क्या खास है, मतलब आस पास में यहाँ पर 500 मीटर पे गुलाबबाड़ी है और 500-700 मीटर पे मकबरा पड़ता है बहू बेगम का, और इधर जाएंगे तमाम इमारतें हैं पुरानी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उससे कितना खुश हैं आप? सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, कोई बुरा थोड़ी, अच्छा है। आज हमारा शहर चमक रहा है और क्या, आज आपका शहर चमक रहा है ना। अभी देखिए, अयोध्या से थोड़ा दूर हम फैजाबाद में हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि पूरा अयोध्या हो गया। हाँ। फैजाबाद अब नहीं रहा ये। हाँ। अब आप फैजाबाद ना कहिए, इसको अयोध्या ही कहिए। अयोध्या ही कहेंगे, बिल्कुल कहिए, क्योंकि जब बदल गया तो कहना ही पड़ेगा। और अयोध्या तो अयोध्या है, अब फैजाबाद का नाम ही खत्म। वैसे आप क्या करते हैं? हमारा तो छोटा मोटा टाइल्स का काम है। टाइल्स का काम है। अभी अभी जो यूपी में जो पूरा भूचाल है राम मंदिर को लेकर, कल प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे आप लोग कितना खुश हैं? नहीं, हम तो खुश हैं, क्योंकि अब एक विवाद था वो खत्म हो गया और अच्छी चीजें अब सामने आएंगी, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। बहुत लोग इससे नाखुश हैं, इसलिए इन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक जाए। इससे अयोध्या का विकास हो रहा है, पूरे यूपी का विकास हो रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छी बात है, जब विकास होगा तो अच्छा ही है, सबको अच्छा सोचना चाहिए, गलत किसी को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि विकास होता है तो अच्छा ही होता है, गलत नहीं होता है कभी भी। अच्छा, क्या क्या विकास आपको लगता है कि पहले से अब चेंजेज है, अब क्या क्या विकास हुआ है? भैया, हमारे हिसाब से तो यहाँ सब बदल गया। अब क्या हम बता ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या बदला है, इतना बदल गया। योगी जी मतलब इतना तगड़ा काम किया? बिल्कुल किए हैं, कि सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, एकदम बदल गया। अब हम अपने घर का रास्ता भाई भूल जाते हैं, इतना बदल गया। दूसरे की छोड़िए, घर का रास्ता भूल जाते हैं। बिल्कुल, पहले हम लोगों के यहाँ छोटी छोटी रोडें थी, अब वो जब चौड़ी हो गई तो अब जब हम लोग आते हैं टर्न लेना रहता है तो घबरा जाते हैं कि कहाँ है। पहले ध्यान रखना पड़ता है यहाँ से टर्न लेना है, इतना बदल गया। बाकी रोडे वगैरह यहाँ का देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा चौड़ा हो चुका है। चौड़ा भी हो गया, खूबसूरत भी हो गया है, एकदम गड्ढा मुक्त रोडे मिलेंगी आपको यहाँ। और इसके बाद अब गली का भी नंबर आ रहा है, गली भी बढ़िया हो जाएंगी, सब मोहल्ले अच्छे हो जाएंगे। एक बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हिंदुओं के लिए राम मंदिर उन्होंने मतलब की गिर गया कर दिया, हिंदुओं के लिए उन्होंने राम मंदिर के लिए जो है ना पूरा प्राण प्रतिष्ठा कल होना है, मुसलमानों के लिए क्या किया है योगी जी? नहीं, अभी करेंगे जो उनको करना होगा, क्योंकि अब हमारा भी 2-3 दिन के बाद ही शायद सुना था कि वो मस्जिद का निर्माण होने वाला है। हाँ। और यहाँ से 20-22 किलोमीटर समथिंग इतना होगा, तो उनको जो करना होगा वो उसमें भी करेंगे, नहीं तो वो तो मस्जिद हमारी भी बनने जा रही है, उसके बाद हम अपना। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। और यहाँ पे इस दुकान पे और एक खास चीज़ आपको बताएं हम कि बहुत ज़्यादा पतंग यहाँ पे बिकता है, और मकर संक्रांति के दिन यूपी में जो खास होता है वो कहीं नहीं होता है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या खास है? नहीं, यहाँ पतंगबाजी का एक वो दौर रहता है कि सब हर कास्ट के लोग एक साथ खड़े होकर के छत पे पतंग उड़ाते हैं, इंजॉय करते हैं, आपस में रहते हैं सब। ये पतंगबाजी खास तौर पतंग को लेके यहाँ पे टीम बनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, सब उड़ाते हैं। ये तो फेस्टिवल है और ये और खेल है एक हिसाब से देखें तो, इसमें तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही इंजॉय करेंगे। बाकी और एक चाचा है, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे। चाचा, क्या नाम आपका है? हमारा नाम कौशल द्वारा है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। कौशल नाम है। कौशल आपका नाम है।
क्या करते हैं यहाँ पे आप? हम पतंग का व्यवसाय करते हैं। पतंग का व्यवसाय करते हैं, मतलब ये पतंग का व्यवसाय मतलब सालों भर चलते रहता है या फिर सिर्फ मकर संक्रांति में? नहीं नहीं, हम तो सालों यही करते हैं, हमारा काम ही यही है, सालों यही करते हैं। करते हैं। अच्छा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कल होना, उससे आप कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश है, पूरा देश खुश है, तो हम भी खुश हैं उसमें, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम उससे बाहर हैं, हम भी तो देश में। देखिए क्या कह रहे हैं वो आपके प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता, तो 140 करोड़ जनता में तो हम भी हैं ना। हाँ, आप भी 140 करोड़ में हैं कि नहीं है? तो जब पूरा देश खुश है तो हम भी खुश हैं, हम उससे बाहर तो हो नहीं सकते ना, हमको कोई इतराज़ हो सकता है ना कोई, हम उससे बाहर हो सकते हैं, मतलब बहुत खुश हैं। बिल्कुल। विकास क्या हुआ है, मतलब अयोध्या में क्या विकास है? विकास तो इतना हुआ है कि इतना हमारे ख्याल में और किसी जिले का हुआ ही ना होगा। इतना विकास हुआ किसी जिले में नहीं हुआ? किसी जिले में नहीं हुआ, यूपी के किसी जिले में ना हुआ होगा जितना फैजाबाद छोटे जिले में हो गया। अच्छा, अच्छा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुनने में ये आ रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो एयरपोर्ट जैसा बन गया है। बिल्कुल बन रहा है, और अब तो डबल बनने जा रहा है, अब तो डबल बनने जा रहा है, एयरपोर्ट मेरा चालू हो गया, इंटरनेशनल चालू होने वाला है, हमारे सांसद जी कह रहे हैं कि अभी 30 तारीख तक कर देंगे उसको। रेलवे लाइन डबल हो रहा है, इतनी ट्रेनें बढ़ गई हैं कि कहां कहां से लोग आएंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारे फैजाबाद अयोध्या को। बाकी जैसा क्या नाम, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जी हमारे साथ हैं, अयोध्या का जो विकास हो रहा है उससे कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी, मतलब योगी जी मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी की जरिए काम हो गया, और कोई सरकार होती तो शायद ना हो पाता। और कोई सरकार होता तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। अच्छा, योगी जी से पहले भी खुश थे कि जो ये बदलाव किए इसके बाद से खुश हैं आप? बदलाव से हम लोग खुश हैं। बदलाव से खुश हैं, इससे पहले तो हम लोग तो परेशान थे। अच्छा, टीवी पर जो मुर्गा की तरह लोग लड़ते रहते हैं ये मंदिर और मस्जिद को लेकर, उससे आप सहमत हैं क्या है? उससे हम लोग सहमत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इतना भी दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं, अगर उनको देखना हो तो हमारे अयोध्या फैजाबाद में आवे, हम लोग से मिले, तब उनको हम दिखाएं कि हमारे यहाँ है क्या भाईचारा। देखना हो तो अयोध्या में आवे। मतलब टीवी पर जो वो चलते रहता है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं वो, बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं, बिल्कुल उल्टा है। बाकी यहाँ पे बाकी इधर कुछ युवा भाई साहब भी हैं, क्या नाम आपका, क्या नाम है? अभय सिंह। अभय सिंह जी, कितना खुश हैं आप यहाँ के विकास से? खुश हैं, बहुत खुश हैं। देख लीजिए अभी जो है मतलब पब्लिक ओपिनियन पब्लिक रिव्यू टाइप का ले रहे हैं। बाकी और भी भाई साहब हैं, क्या नाम आपका, क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी हैं, युवा हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे हम, कितना खुश हैं योगी जी से आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड हैं? अयोध्या का विकास देख के आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें नहीं थी। अच्छा, हैदराबाद वाले जो बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, उनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका स्टेटमेंट अभी भी ये आ रहा है कि जहाँ पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है वहाँ के भूमि को अभी भी हम जो है ना अपने लिए मतलब कि आराध्य मानते हैं, ये कहते हैं। देखिए वो तो पॉलिटिक्स की बात है। हाँ। राजनीतिक पार्टियाँ वो तो अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से, सारी पार्टियाँ वो कोई भी पार्टी हो सब अपनी अपनी रोटी सेकती है। भाई तो कहने का मतलब कि राजनीतिक के कारण वो कहते हैं, राजनीतिक रोटियाँ सब सेकते हैं इसमें। बाकी यहाँ जो अभी यहाँ पे माहौल है वो कैसा है? माहौल बहुत ही एकदम साधारण है, जैसा रोज था वैसा आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की आवाम को। मतलब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हो गए? सब कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब देखिए आप पूरा शहर घूम लीजिए, सब खुशी खुशी सब वैसे ही रोज की तरह है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा शहर घूम लीजिए। मतलब पूरा खुशी खुशी। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? हमारा यही जो है ये ड्राई फ्रूट वगैरह का काम है। ड्राई फ्रूट वगैरह का काम है। आपका नाम क्या है, नाम भूल गए? नाम मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी हमारे साथ हैं। अभी हम जो है ना यूपी के फैजाबाद वाला पुराना इलाका है, अब तो पूरा अयोध्या हो चुका है। देखिए ये युवा हैं, इनसे भी हम पूछे, जो टीवी पे चलता है अलग अलग चीज़ को दिखाया जाता है भ्रामक तरह से, वो कहीं ना कहीं स्थल पर आने के बाद बिल्कुल उसका उल्टा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का ये मैसेज है। बाकी हिंदू मुस्लिम भाई भाई सभी लोग मिल करके पूरा जश्न मना रहे हैं अयोध्या में। बाकी आप हाँ टीवी चैनलों पे सबसे बड़ी बात है ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली डिबेट होती है, इनको पूर्ण रूप से भारत सरकार को चाहिए प्रतिबंध कराना चाहिए। प्रतिबंध कराना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबंध कराना चाहिए। इससे क्या होता है, इख्तलाफ ज्यादा पैदा होता है आपस में। इसको पूर्ण रूप से भारत सरकार को संज्ञान लेकर इसके ऊपर बैन कर देना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराते रहते हैं, चार तो हिंदू आ गए चार तो मुस्लिम, ये सब पूर्ण रूप से बिके हुए लोग रहते हैं। कुछ उधर से वो बोले, कुछ उधर से ये बोले, पब्लिक में इसका मैसेज गलत जाता है। इससे पूर्ण रूप से जो है भारत सरकार को इसको बैन कर देना चाहिए। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन चीजों को समझते हैं कि वो लोग जो है ना मुर्गा सिर्फ बुड़बक बनाता है। सेफ सेफ सेफ, और कुछ नहीं। जितने भी लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है जो चीजों को नहीं समझते हैं, धरातल पे उतरिएगा तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ
बैठ के खाली आपस में लड़वाने वाली बात करते हैं और कुछ नहीं है ऐसा। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, बिहार हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आपको एकदम साधारण सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे ज्यादा आबादी हिंदू है मुस्लिम किसका है? यहाँ लगभग लगभग सभी मिक्स है, लगभग लगभग सभी मिक्स। जी जी सर। यहाँ पास में मस्जिद भी है, कौन सा मस्जिद है? ये वक्फ हसन रजा खान। अच्छा, तो यहाँ का मतलब कि फैजाबाद का सबसे बड़ा मस्जिद यही है? हाँ, सबसे बड़ी मस्जिद है ये, और इससे एक बड़ी मस्जिद है जो शहर की जो है, जामा मस्जिद टाटशाह है। अच्छा अच्छा, अभी अभी इस वक्त जो है ना फैजाबाद से इस वीडियो को दिखा रहे थे, शहर का सबसे बड़ा मस्जिद है और यहाँ से लोगों का जो राय है, राय को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और टीवी पर जो डिबेट होता है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।